पुष्कर सिंह धामी नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं। आज उन्हें नामांकन चंपावत में देखिए दाखिल करना, उसकी तस्वीरें ये उससे पहले की तस्वीर। उपचुनाव देखिए यहाँ पर हो रहा, उपचुनाव को लेकर देखिए यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी आज अपना जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे चंपावत से, और इसी के साथ उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्री और इसी के साथ जो उनके बीजेपी के नेता हैं समर्थक है वो भी साथ साथ वहां पर आज पहुंच रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें जहां पर पुष्कर सिंह धामी नामांकन करते यहां पर अभी आपको थोड़ी देर में नजर आएंगे तस्वीरें। फिलहाल उनके नामांकन से पहले की लोग देखिए उनका स्वागत करने के लिए भी कहा जा रहा है कि कई जगह पर मौजूद रहेंगे, और उससे पहले की तस्वीरें आपके सामने, नामांकन से पहले की तस्वीरें हैं। धामी का आज होगा नामांकन, पुष्कर सिंह धामी आज नामांकन करेंगे। सड़क किनारे देखिए कई लोग जो हैं वहाँ उनका अभिवादन करने के लिए खड़े, और कार की छत से वो लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये नामांकन की आज तस्वीरें जो होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। 5 कैबिनेट के मंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी के साथ जो हैं वो आज मौजूद रहेंगे। कई नेता बीजेपी के जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। चंपावत से आज जो नामांकन अपना दाखिल करने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो इस बार के चुनाव में उत्तराखंड में भी द्वारा बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज हो गई है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो चुनाव हार गए। उसके बाद भी उन्हें हालांकि सीएम की कुर्सी जो है वो सौंप दी गई, लेकिन अब उस कुर्सी पर बने रहने के लिए जरूरी है कि वो 6 महीने के अंदर ही सदन के सदस्य हों, और इसी के साथ सदन के सदस्य होने के बाद ही वो आगे जो सीएम का पद है वो उनके लिए ग्रहण करना आसान होगा। फिलहाल धामी का नामांकन आज हो रहा है। नामांकन के दौरान बीजेपी के जो दिग्गज नेता वो भी देखिए वहां पर आज मौजूद रहेंगे। 5 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनने के बाद ये तस्वीर है उपचुनावों के दौरान की। तो आज कई कार्यक्रम भी हैं, उनको आज जनसभा भी करनी है। जनसभा के कार्यक्रम में भी आज शामिल होंगे वो, और चंपावत से वो उपचुनाव में नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं। चंपावत पे आज वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे, और जिस वक्त बीजेपी की जीत, भारी जीत हुई, इसके लिए बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा जाए तो पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया था, क्योंकि बहुत कम समय में वो उत्तराखंड के देखिए सीएम बने थे 3 से 4 महीने के लिए, और एक बड़ी चुनौती थी कि आगे चुनाव भी था और इन कम महीनों में बीजेपी को दोबारा जीत दिलाना वो एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। हालांकि वो खुद जरूर चुनाव हार गए अपनी सीट से, लेकिन अब वो उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। दोबारा चुनाव की प्रक्रिया में वो हिस्सा लेंगे। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए ही यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नामांकन हो रहा है। तो आज नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं, और मेगा शो भी देखिए आज होगा उनका, और भी ताकत का कहीं ना कहीं वो एहसास कराते देखिए चल रहे हैं अपने काफिले के साथ। चंपावत से जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, लोग देखिए जगह जगह खड़े फूलमाला लेकर उनके लिए वहां पर उनका स्वागत करने के लिए तस्वीर, जब वो निकले थे नामांकन दाखिल करने के लिए उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उस दौरान भी उनके साथ देखिए जो बीजेपी के तमाम चेहरे थे वो मौजूद थे, और इसी के साथ उन्होंने सबसे पहले आज पूजा अर्चना की। चंपावत विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में वो नामांकन दाखिल करने के लिए निकले हुए हैं, सुबह पूजा की, फिर अब चंपावत जा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कई जगह देखिए उनका काफिला जो है वो रुक भी रहा है बीच में, वो लोगों का धन्यवाद भी कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, लोग फूलमाला लेकर रास्ते में ही मौजूद उनके नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ नामांकन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजमंत्री अजय भट्ट भी हैं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा कैबिनेट मंत्री कुमाऊं के अधिकतर विधायक जो हैं वो कहा जा रहा है कि मौजूद रहने वाले हैं, और इसी के साथ आज वो अपना एक रैली शो भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी उनका काफिला जो देखिए पहुंच रहा है चंपावत से, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, लोग देखिए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए देखो पहुंचे, और वहां पर माताएं बहनें भी देखिए और पहुंची, फूलों से उनका देखिए स्वागत किया जा रहा है, बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं। धामी का ये रोड शो हो रहा है, रोड शो के दौरान वो देखिए बीच में अपने काफिले को रोकते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, जो लोग उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े थे उनसे मुलाकात देखिए वो कर रहे हैं, और अब आगे देखिए बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी उनके इस रोड शो का हिस्सा बनती नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री देखिए आज चंपावत पहुंच रहे हैं, और महाराष्ट्र में ही उनके काफिले की तस्वीरें हैं, और इसी के साथ आज अपनी तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया है। अब आगे देखिए उनका काफिला जो है वो बढ़ने जा रहा है, और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।